आज के लेक्चर में बच्चों सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो वेन डायग्राम का है। वेन डायग्राम जो है अगेन ये भी बहुत बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन स्टिल अगर मैं बात करूं तो सिंध बोर्ड जो है उसमें ये वेन डायग्राम का टॉपिक नहीं है। अब बुक चेंज हो गई है तो आई गेस अब मौजूद है उसके अंदर, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बातें, हर स्टूडेंट को नहीं पता वेन डायग्राम क्या होती है। जरा बेसिक सी बातें हैं, बेसिक सी डायग्राम्स हैं, उनको जरा बना लेते हैं। अच्छा, वेन डायग्राम का अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं तो वेन डायग्राम इज लाइक डायग्राम के जरिए से आप जो ऑपरेशन है उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल ए यूनियन बी कैसा लगेगा डायग्राम के जरिए से, या ए इंटरसेक्शन बी कैसा लगेगा। अच्छा, इसका और फायदा भी है, आप कितने वर्ड प्रॉब्लम जो है जो सेट से रिलेटेड है उनको आप वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर रहे होते हो, आपको आसानी होती है समझने में इंटरसेक्शन ये है, जब तीन सेट आ जाते हैं और अच्छे आपको बातें समझ आ रही होती हैं। तो वेन डायग्राम इज लाइक आप तस्वीर इमेज की फॉर्म में चीजों को समझ रहे हो, ऑपरेशन को समझ रहे हो। तो जरा मैं कुछ ऑपरेशन आप लोगों को, अच्छा इसमें आप शेड कर रहे होते हो, जो आपका रीजन होता है ना, जो रिक्वायर्ड रीजन है आपका, उसको आप शेड करते हो तो आपको मिल जाता है जो शेडेड रीजन है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहली जो वेन डायग्राम है वो हम बनाते हैं, बाय द वे जो पेजेस हैं इसमें आपको नजर आएंगे मार्कशीट है, कोई फोटोकॉपी भी करवाई भी होती है वेस्ट हो जाती है, मतलब हम इसको काम नहीं कर सकते, हम फेंक देते हैं। तो फेंकने से बेहतर है कि इसकी बैक साइड जो है वो फारिग होती है, तो कहा कि इसको फेंकने से बेहतर है कि आप उसको यूटिलाइज कर लो, कुछ ना कुछ कर लो। तो ये काम भी जरा आप लोग ध्यान में रखना। तो ये वही वाले पेजेस आपको पीछे पता नहीं कौन सा फॉर्म नजर आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ए माइनस बी की देखो तो, अच्छा ए माइनस बी के बारे में आप लोगों को पता है, ए माइनस बी में होता क्या है कि जो बी के एलिमेंट्स होते हैं उनको आप ए से हटा देते हो, तो फिर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो वही होते हैं जो ए के अंदर मौजूद थे, बी वाले सब कैंसिल हो चुके होते हैं। तो अगर आप इसको डायग्राम से देखोगे, डायग्राम से भी आपकी बात क्लियर समझ आ जाएगी कैसे। अच्छा, बनाने का तरीका ये होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ए माइनस बी की वेन डायग्राम बनानी है तो आप एक सबसे पहले वेन डायग्राम के अंदर एक स्क्वायर या रेक्टेंगल आप बोलते हो बनाते हो आप, वो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स होते हैं और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होते हैं, जो आपने सेट कंसीडर किए मैंने ए बी सी जो भी छोटे छोटे सेट हैं उन सबके एलिमेंट यूनिवर्सल के अंदर मौजूद होते हैं, यूनिवर्सल के अंदर एक्स्ट्रा भी होते हैं, ये यूनिवर्सल सेट होता है। तो ये जो रेक्टेंगल जो है इसको आप रिप्रेजेंट करते हो, मतलब ये होता है यूनिवर्सल सेट, थोड़ा इस तरह हम लिखते हैं यूनिवर्सल सेट को, और जो बाकी सेट है वो आप अंदर लिख रहे होते हो, उनको सर्किल से रिप्रेजेंट करते हो। तो ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपसे जो बात करें कि ए माइनस बी की डायग्राम बनाओ, तो सबसे पहले नॉर्मली जब सेट्स होते हैं ना, नॉर्मली अगर आप देखो तो ओवरलैपिंग सेट होते हैं। ओवरलैपिंग सेट क्या होते हैं कि जिसमें कुछ एलिमेंट ओवरलैप कर रहे होते हैं, सबसेट नहीं होते एक दूसरे के, ओवरलैपिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, बी के अंदर एलिमेंट है 4 5 6 7, तो 4 जो है वो उनका कॉमन है, बाकी ए के अलग एलिमेंट्स हैं, बी के अलग एलिमेंट्स हैं, कुछ इनके दरमियान कॉमन है, तो उनको आप ओवरलैपिंग सेट कहते हो। तो डायग्राम भी हम इस तरीके से बनाते हैं कि थोड़ा ओवरलैप कर रहे होते हैं, जो इनके कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो आप दरमियान में लिखते हो, वो एलिमेंट जो सिर्फ ए के अंदर है वो यहां पे लिखते हो, वो एलिमेंट जो सिर्फ बी के अंदर है वो आप यहां पे लिख रहे होते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ए माइनस बी की बनानी है तो ये पूरा ए है, ठीक है। ए माइनस बी में आप क्या करते हो, आप बी के एलिमेंट्स ए से हटा देते हो। तो अगर आप देखो ये पूरा ए है ना, लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा सा रीजन है ये वाला, अगर आप ये देखो ये कॉमन रीजन है, तो आपने क्या करना है, ये आपने ए से हटा देना है। तो जब आप इस रीजन को ए से हटा दोगे ना, तो पीछे कौन सा रीजन बचेगा, पीछे ये वाला रीजन बचेगा जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये पूरा रीजन है। तो अगर आप डायग्राम से रिप्रेजेंट करो, ये ए माइनस बी की डायग्राम होती है कि सेट ए में से वो एलिमेंट आपने निकाल दिए जो बी के अंदर मौजूद थे। फॉर एग्जाम्पल दो एलिमेंट बी के मौजूद थे ए के अंदर, उन दो एलिमेंट्स को आपने निकाल दिया, जो पीछे एलिमेंट बचेंगे वो सब क्या होंगे, ए के एलिमेंट्स होंगे। तो ए माइनस बी को आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रिप्रेजेंट करना है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, सर इसको देखते हैं, वैसे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट में तो कुछ नहीं आएगा, यूनियन कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, इसकी अगर आपने वेन डायग्राम बनानी है, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, अच्छा यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं, सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपने बनाना है, तो इसके अंदर जाहिर सी बात है ए की सेट होगा, ए और तो सेट नहीं है इसके अंदर, ए की सेट के बारे में डिस्कस किया गया है। अब उस ए सेट का आपने यूनियन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट से। अब जरा समझो ए क्या है भाई, ए तो ये पूरा सर्किल है, अगर आपको बोले ए तो आप इस पूरे सर्किल को शेड करोगे, लेकिन आपको बोला है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट यहां पे क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जो सिर्फ यूनिवर्सल सेट के होते हैं, और यूनिवर्सल सेट में से जो एक एलिमेंट है उनको हटा देते हो।
फॉर एग्जाम्पल ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो ए के अंदर मौजूद थे उनको आपने यूनिवर्सल से हटा दिया, मतलब बेसिकली यूनिवर्सल में से आपने ए को हटा देना है। तो ये पूरा आपका यूनिवर्सल है, इसमें से अगर आप ए को हटा दोगे तो ये जो सर्कल के बाहर वाला जो पूरा रीजन है ये ए कॉम्प्लीमेंट है, इस सर्किल के पूरे बाहर वाले रीजन ए कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि यूनिवर्सल में से ए आपको हटाना है, तो सर्किल को हटा दो, इसके अलावा जो बाहर का रीजन है वो सब ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो आपने ए कॉम्प्लीमेंट के बारे में समझ लिया। अब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन में आप क्या करते हो, यूनियन में आप दोनों को कंबाइन करके लिखते हो, तो ए भी आ गया ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, ए में ये सर्किल आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में बाहर का रीजन आ जाएगा। तो कहने का मतलब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट में यह पूरी डायग्राम शेड हो जाएगी क्योंकि आप यहां पे यूनियन ले रहे हो, ये पूरा ए और बाहर का पूरा कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट में आपने हर चीज को शेड कर देना। तो ये इसकी मेन डायग्राम होगी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है। और बिल्कुल अगर यहां पे आ जाता है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो अब आपकी डायग्राम कुछ भी शेड नहीं होती क्योंकि ए मतलब सर्किल और जो बाहर का रीजन है ए कॉम्प्लीमेंट, इनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है। याद रखना ए कॉम्प्लीमेंट में आप एक एलिमेंट हटा देते हो तो फिर ए और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो जब इंटरसेक्शन एम्प्टी हो तो आप वेन डायग्राम में कुछ भी शेड नहीं करते, क्या शेड करोगे, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम कुछ भी शेड नहीं होगी और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम पूरी आपको शेड करनी होगी। कुछ और देखते हैं, हम तीन सेट को इन्वॉल्व करते हैं, चलो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब जरा इसको ड्रॉ करते हैं, अगेन यूनिवर्सल सेट आ गया। अब आपने तीन बनाने, जब आप तीन सेट बनाते हो ना तो कोशिश करो इस तरीके से बनाओ कि तीनों ओवरलैप कर रहे हो, मतलब आपस में भी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ए बी से ओवरलैप कर रहा हो, ए सी से कर रहा हो, बी सी से कर रहा हो, और आपस में तीनों भी ओवरलैप कर रहे हो, इस टाइप की थोड़ी डायग्राम बनाओ। तो फॉर एग्जांपल ये आपने बना दिया ए, ये आपने बना दिया बी और ये आपने बना दिया सी। अब देखो बी और सी ओवरलैप कर रहे हैं, ए और सी ओवरलैप कर रहे हैं, ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं, और ये छोटा सा ये वाला जो रीजन है, ये रीजन जो है इसमें ये सब ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस टाइप के आप एक डायग्राम बनाते हो वेन डायग्राम के अंदर। तो ये ए हो गया, ये बी है और ये सी है। अब आपने रिप्रेजेंट करना है यहां पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले तो भाई ब्रैकेट आपने सॉल्व करनी है, जरा बी इंटरसेक्शन सी मालूम करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब ये होगा कि जहां पे बी और सी जो है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कौन सा रीजन है। भाई देखो ये बी है और ये सी है, ये जो रीजन है सारा जो मैं शेड कर रहा हूं ये सब बी इंटरसेक्शन सी का। इस रीजन में अगर आप देखो बी और सी, आप थोड़ा एज्यूम करो कि ए दरमियान में नहीं है, आप एज्यूम करो कि ए यहां पे मौजूद नहीं है, तो ये बी है ये सी है, बी और सी ये जो रीजन है ये कॉमन रीजन है इनका, तो बी इंटरसेक्शन सी तो मैंने बना दिया। अब इस बी इंटरसेक्शन सी वाला रीजन बना दिया, अब ये ए जो है ए वाला रीजन कौन सा है, ए वाला रीजन पूरा ए का सर्किल है। तो जब आप ए का और बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन लोगे तो यूनियन में आपको पता है कि दोनों चीजें आप लिख रहे होते हो, तो ये बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब मैं ए को लिखता हूं, ए में आप पूरा सर्किल ए का हाईलाइट करोगे, ऑब्वियसली शेड करोगे, ये पूरा ए है, तो ये जितना शेडेड रीजन है वो इसका रिक्वायर्ड आंसर है। क्यों, ये पूरा ए था और ये पूरा बी इंटरसेक्शन सी था, आपने यूनियन लिया इनका, तो दैट्स व्हाई ये जो पूरा रीजन है ये शेड होगा। बिल्कुल यहां पे होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों का जो जहां पे तीनों कॉमन है वो फिर छोटा सा रीजन होता है जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था, छोटा सा दरमियान में रीजन है ये वाला, ये वो रीजन होता है जो ए बी सी इन सब में कॉमन आता है। तो बिल्कुल अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता तो फिर आप इसको करते होते। तो कहने का मतलब है कि डायग्राम के जरिए से आप अगर आपको कोई डायग्राम दे दे तो आप खुद देख के समझ जाओगे कि इसकी मतलब क्या ऑपरेशन है यहाँ पे, क्योंकि ए भी आ गया और बी इंटरसेक्शन सी आ गया, तो आप लिख दोगे भाई ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। अच्छा अभी आपने डिमॉर्गन लॉ पढ़ा था, जरा उसके बारे में भी हम वेन डायग्राम बनाते हैं, उसकी डायग्राम से भी वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने का मतलब ये है कि मैं सबसे पहले डायग्राम बनाता हूं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की, फिर मैं बनाऊंगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की, तो आप वेरीफाई कर लो कि हाँ यार दोनों के डायग्राम सेम है, लेकिन समझना थोड़ा मुश्किल होता है तो आपने गौर से समझना। फॉर एग्जाम्पल आपने एक रेक्टेंगल बनाया, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, सबसे पहले बनाते हैं सेट ए, ये आ गया बी। अच्छा जी आपको रिप्रेजेंट करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सवाल ये है कि ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी होता है कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स। जब आपसे बोला जाए ए और बी के सारे एलिमेंट, इसका मतलब ए और बी कंप्लीटली शेड हो जाएंगे अगर जस्ट आपको ए यूनियन बी बोला जाए।
तो ये दोनों सर्कल जो है ये शेड हो जाएंगे। लेकिन आपको बोला है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे आप कैसे, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालोगे तो इसी तरह निकालोगे ना, यूनिवर्सल से आप माइनस कर रहे होगे इसको, तो कहने का मतलब ये जो पूरा यूनिवर्सल है इसमें से आप क्या माइनस कर दो, इसमें से आप ए यूनियन बी वाला रीजन हटा दो, माइनस कर दो। तो उस पूरे यूनिवर्सल में से आपने ए और बी को हटा देना है, तो पीछे जो बचेगा वो यहां पे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है ये जो ए और बी के बाहर है ये वाला रीजन, ये पूरा रीजन जो है ये सब कहलाया जाएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यूनिवर्सल में से आपने ए और बी को हटा दिया, ये होगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब जरा हम देखते हैं कि ये तो डिमॉर्गन लॉ का, डिमॉर्गन लॉ की लेफ्ट साइड थी, अब हम राइट हैंड साइड के बारे में पढ़ते हैं। राइट हैंड साइड थी इसकी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट बनाना, बी कॉम्प्लीमेंट बनाना, फिर जहां वो इंटरसेक्ट करें वो बनाना थोड़ा मुश्किल चीज होती है। तो हम इसको थोड़ा हिस्सों में समझेंगे कि क्या बन रहा है इसका, और जरा देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो आपने यूनिवर्सल बना दिया, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब मैं थोड़ा मार्कर यूज करके, ये पेन यूज करके थोड़ा डिफरेंशिएट करूंगा ताकि आपको बातें समझ आए। आपने सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट बनाना है, फिर आपने बी कॉम्प्लीमेंट बनाना है, फिर आपने देखना है कि कहां पे ये दोनों कॉमन है। कॉमन का मतलब जहां पे आपको दोनों शेड नजर आ रहे हो, इस बात का ख्याल रखना है। मैं ए कॉम्प्लीमेंट को अलग शेड करूंगा, बी कॉम्प्लीमेंट को अलग शेड करूंगा। अब यहां पे यूनिवर्सल तो नहीं है ना कि दोनों को आपने एक साथ पे लिखना है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट भी शेड हुआ है, बी कॉम्प्लीमेंट भी शेड हुआ है। अगर यूनिवर्सल होता तो ये होता। यहां पे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है, इसका मतलब ये कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का जो शेडेड रीजन है वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो रीजन यहां पे रिक्वायर्ड आंसर है। तो सबसे पहले मैं यहां पे ए कॉम्प्लीमेंट वाला रीजन बनाता हूं। ए कॉम्प्लीमेंट वाला रीजन होगा कि ए के अलावा बाकी मैं शेड कर दूं पूरे यूनिवर्सल को, ये पूरा यूनिवर्सल है, इसमें मैं ए के अलावा हर चीज को शेड कर दूं, तो ए के अलावा मैं शेड कर देता हूं। अगर आप ऑब्जर्व करो इस पूरी डायग्राम में ए शेड नहीं हुआ, बस ये जो पूरा ए का सर्किल है ना ये शेड नहीं हुआ, इसके अलावा हर चीज जो है वो शेड हुई है, क्योंकि आपने किया क्या, आपने यूनिवर्सल में से ए को निकाला है, मतलब ए का पूरा सर्किल आपने निकाल दिया है, तो पीछे जो भी चीजें बची हैं वो सब ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ रही है। ये ए कॉम्प्लीमेंट बनाया, अब हम बनाते बी कॉम्प्लीमेंट, फिर हम देखेंगे कॉमन इनके अंदर क्या आ रहा है। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट होगा कि बी को निकाल दो पूरे यूनिवर्सल में से, अभी जो पूरा बी है ना इसको मैं निकाल देता हूं, पीछे क्या बचेगा, ये बी को निकालना है बस, ये देखो मैं बी को शामिल नहीं कर रहा, बी को, बी के अलावा जो भी रीजन है वो मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। तो जो ब्लैक में अगर आप देखो, ब्लैक वाला वो रीजन है जिसमें बी सेलेक्ट नहीं हुआ हुआ, अगर आप ऑब्जर्व करो बाकी सब शेड हुआ हुआ है, लेकिन जो बी का रीजन है ये पूरा, ये शेड नहीं मैंने किया हुआ। तो ब्लैक से जो मैंने लिखा हुआ है बी कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट ब्लू से, ब्लैक से बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपने देखना है ये दोनों रीजन, ये दोनों कलर कहां पे कॉमन है, जरा हम ये गौर करते हैं। अगर आप बी के अंदर देखो तो ये कॉमन नहीं है, क्योंकि बी के अंदर से ब्लू नजर आ रहा है आपको, वो भी थोड़े से हिस्से के अंदर, इस वाले हिस्से में तो कुछ भी नहीं है। ए के अंदर देखो तो ए में से ब्लैक नजर आ रहा है, ब्लू नहीं है तो कॉमन नहीं है। अगर आप ए और बी के बाहर देखो तो ये कॉमन है, फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ये बी है, इन दो सर्कल को हटा दो, इसके बाहर देखो क्या है, इसके बाहर आप देखो आपको ब्लू लाइंस ब्लैक लाइंस सब नजर आ रही है, ब्लू लाइंस ब्लैक लाइन, इधर भी देखो ब्लू ब्लैक ब्लू लाइन सब नजर आ रही है। इसका मतलब ये जो कॉमन रीजन है ना जो अब मैं शेड कर रहा हूं, ये सब कॉमन रीजन है, ये इसमें ब्लैक ब्लू आपको सब नजर आ रहा है यहाँ पे, तो ये वो रीजन है जिसमें ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों कॉमन है, ये वाला रीजन सारा। तो ये रिक्वायर्ड रीजन है इस ऑपरेशन का। और अगर आप ऑब्जर्व करो ऊपर भी ये बाहर वाला रीजन ही शेड हुआ था, अगर आप ए और बी कॉम्प्लीमेंट में देखो, ए और बी के अलावा जो बाहर वाला रीजन था वो हमने शेड किया हुआ था, जो कि एग्जैक्टली यहां पे भी किया हुआ है। तो वेन डायग्राम से भी आपने देख लिया कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से आप काफी कर सकते हो। अच्छा मेरे पास एक और एग्जाम्पल भी लिखी हुई है, नहीं यही है बस, सही है। तो मैं ख्याल में वेन डायग्राम का टॉपिक हमने काफी क्लियर कर लिया है। अच्छा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, वो जरा मैं करवा देता हूँ, शायद वो आप लोग कंफ्यूज कर सकती है। उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट और यूनियन का कॉन्सेप्ट है, जरा देख लेते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को,
सेट ए हम कुछ भी लेट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओवरलैपिंग लेट करते हैं 1 2 3, और बी को हम लेट कर लेते हैं 3 4, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल थोड़ी छोटी करते हैं ना, बड़ी हो जाएगी। और हमें निकालना है क्या, यहां पे हमें निकालना है ए कार्टेशियन बी और उसका यूनियन लेना है बी कार्टेशियन सी से। तो सबसे पहले तो ए कार्टेशियन बी निकालते हैं। ए कार्टेशियन बी में क्या होगा, 1 को आपने रिलेट करना है बी से, तो ये 1.3 हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा, फिर 2.3, 2.4, फिर 3.3 और 3.4, ये तो आपके पास आ गया ए कार्टेशियन बी। अच्छा सी भी इन्वॉल्व है तो सी भी कुछ कर लेते हैं हम, और मैं तीनों को ओवरलैपिंग कर रहा हूं तो सब में कॉमन करते हैं, 3 जो है वो सब में कॉमन है और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 डाल देते हैं, तो ये सी आ गया। अब आपको निकालना है बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, सबसे पहले आप लिखोगे 3 को 3 से रिलेट करवाओ, फिर 3 को 5 से रिलेट करवाओ, अच्छा फिर 4 को 3 से रिलेट करवाओ और 4 को 5 से रिलेट करवाओ, तो ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी और नीचे आपके पास आ गया बी इंटरसेक्शन सी। अब सवाल ये कि अगर आपको निकालना है इनका कॉमन, मतलब आपको निकालना हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन या इंटरसेक्शन, नहीं वैसे तो यूनियन लिखा हुआ इन्होंने, लेकिन हम इंटरसेक्शन कर लेते हैं, यूनियन का भी मैं आपको बता दूंगा। अब दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं, बिलफर्ज अगर यूनियन होता तो क्या होता, देखो अगर यूनियन होता ना तो लाइफ हमारी इजी होती है, बस आपने कॉपी कर देना है ए का जो ए कार्टेशियन बी है इसके अंदर जितने ऑर्डर्ड पेयर है इनको लिखो और इनके साथ बी कार्टेशियन सी के जितने ऑर्डर्ड पेयर उनको लिखो, इस बड़े सेट को इनक्लोज कर दो तो ये यूनियन का सेट बन जाएगा, क्योंकि यूनियन में आप दोनों के एलिमेंट लिख रहे होते हैं। बस एक चीज का ख्याल रखना, जो सेम एलिमेंट हो वो ना लिखना, फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले अगर ए कार्टेशियन बी यूनियन बी कार्टेशियन सी अगर निकाल रहे होते तो सबसे पहले ए कार्टेशियन बी लिख देते, मतलब 1.3 1.4 2 3 2 4 3 3 3 4, ये आप लिख देते, उसके बाद आपको बी इंटरसेक्शन सी के लिखने। अब बी इंटरसेक्शन सी में अगर आप देखो पहला ऑर्डर पेयर है 3.3, अब 3.3 ऑलरेडी इधर आया हुआ है तब दोबारा नहीं लिखना, क्योंकि मैंने पहले बताया था सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं होती, तो जब आप इन दोनों का यूनियन लोगे ना तो ये चीज ऑलरेडी एक दफा लिखी हुई है, दोबारा नहीं आप लिखोगे। इसी तरह 3.5 आपको ऊपर नजर नहीं आ रहा तो 3.5 लिख देते, 4.3 आपको ऊपर नजर नहीं आ रहा, अच्छा 3.4 और 4.3 दोनों अलग है, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ऑर्डर मैटर करता है, याद रखो एक होता है सेट जिनको हम ऑर्डिनरी सेट कहते हैं, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता मैं 3 4 लिखूं 4 3 लिखूं, बात एक ही होती है, लेकिन एक होता है ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर के राउंड ब्रैकेट से लिखे जाते हैं जो कि पोजीशन शो भी करते हैं और बाकी भी इनके मतलब होते हैं वो हम फिर पढ़ेंगे बाद में, तो इनमें ऑर्डर मैटर कर रहा होता है, तो मैं 3.4 लिखूं या मैं 4.3 लिखूं दोनों अलग बातें होती हैं, तो दैट्स व्हाई 4.3 आप लिखोगे फिर आप 4.5 लिखोगे क्योंकि आपको ऊपर नजर नहीं आ रहा, तो ये आप उस वक्त करोगे जब कुछ यूनियन आप ले रहे होगे इनके दरमियान। हमने क्या लेना है, हमने इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन में आप क्या करोगे जो कॉमन है इसके अंदर, आई गेस हमने कॉमन 3.3 देखे हैं तो वही लिख देंगे यहां पे 3.3, तो यहां पे जो कॉमन ऑर्डर्ड पेयर है वो लिख दिया, आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो यूनियन के बारे में बता दिया मैंने, इंटरसेक्शन के बारे में बता दिया, ठीक है सही है। मेरे पास एक ये भी एग्जांपल लिखी हुई है कि या अगर आप ट्राई करना चाहो तो खुद ट्राई कर लेना, ए कार्टेशियन बी यूनियन सी, ये आपको निकालना है, तो डू इट योरसेल्फ, सिंपल सवाल है। सबसे पहले आप बी यूनियन सी निकालोगे, अगर आप ऑब्जर्व करो बी यूनियन सी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 3 4 5, क्योंकि 3 को दो दफा नहीं लिखोगे ना, 3 4 5 होंगे बी यूनियन सी के अंदर, और ए के अंदर कितने हैं 1 2 3, तो ए के अंदर 1 2 3, बी यूनियन सी के अंदर होंगे 3 4 5, इनका आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर निकालने का फॉर्मूला होता है दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट को, जैसे यहां पे ए के अंदर 3 एलिमेंट थे बी के अंदर 2 एलिमेंट थे, तो 3 × 2 = 6, 6 ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आए थे, बी के अंदर 2 थे सी के अंदर 2 थे 2 × 2 = 4, तो 4 ऑर्डर्ड पेयर आए थे। इसी तरह ए के अंदर 3 है और बी यूनियन सी के अंदर भी 3 है, तो 3 × 3 9 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, देख लेना आप लोग आसानी से हो जाएगा। एक आखिरी टॉपिक है जो इस क्लास में मैं आप लोगों को इस लेक्चर में बता देता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इनइक्वालिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट करेंगे, और वो है इंटरवल। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज शायद सुनी हो आपने, आई गेस सुनी भी होगी आप लोगों ने, इंटरवल के बारे में आपको थोड़ी सी बेसिक बातें पढ़नी है। अब सवाल यह है कि इंटरवल होता क्या है, यार इंटरवल इज लाइक आप ये समझ लो कि आपको दो नंबर्स लिखे होते हैं, उन दो नंबर्स के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो सब एक इंटरवल होते हैं। इंटरवल इज लाइक अ रेंज, ये वो डोमेन रेंज वाली रेंज नहीं है, आप रेंज रियल लाइफ में बोलते हो ना कि क्या रेंज है, तो आप बोलोगे फॉर एग्जांपल
आपको बोला जाए कि आप कोई बाइक लेने जा रहे हो तो बोलता है रेंज कितनी है, तो वैसे तो आप बता रहे हो यार 40 से 45 के दरमियान है, तो आप एक रेंज बता देते हो, आइडिया बता देते हो इसके दरमियान है, तो ये वही इंटरवल का भी वही कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल 1 और 5 इसके दरमियान सारे रियल नंबर, तो ये इंटरवल है, दो नंबर के दरमियान सारे रियल नंबर जो है इसको आप इंटरवल कहोगे, ठीक है। अच्छा जी, डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी। अच्छा, उसके बाद नोटेशन पे आ जाओ, इंटरवल की नोटेशन क्या होती है। तो भाई तीन नोटेशन आप यूज करते हैं इंटरवल की, वो जरा आप देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं, वो एग्जांपल ये है कि 2 और 4 के दरमियान सारे रियल नंबर। अब ये स्टेटमेंट जो है ये एम्बिग्यूस स्टेटमेंट है, क्यों? आपको ये भी क्लियर करना होता है कि 2 और 4 शामिल है या नहीं है। मैं बोलूं बिटवीन 2 एंड 4 तो ज्यादातर इसका मतलब ही लिया जाएगा अगर मैं बोलूंगा बिटवीन 2 एंड 4 के 2 और 4 शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल में क्लियर होना चाहिए कि जो एंड पॉइंट्स हैं वो शामिल है या नहीं है। तो बिटवीन 2 एंड 4 और आगे मेंशन हो कि इंक्लूडिंग 2 एंड 4 कि 2 और 4 को भी आप इस इंटरवल के अंदर इंक्लूड कर रहे हो, मतलब 2 भी इंक्लूड है, 4 भी इंक्लूड है और उनके दरमियान सारे नंबर जो है वो इंक्लूड है, एक तो ये तरीका है। लेकिन हम जो एग्जाम्पल लेंगे ना, हम थोड़ा मुश्किल करने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के बिटवीन 2 एंड 4 एंड इसको हम इस तरह लिखते हैं कि एक्सक्लूडिंग 4। अब मैंने बोला है कि 4 को मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट 2 को मैं इंक्लूड कर रहा हूं, मैं मतलब ले रहा हूं भाई, इतना टाइम नहीं है, मैं पूरा जुमला लिखूं यहां पे कि हम 4 को एक्सक्लूड कर रहे हैं, इसका मतलब 2 को इंक्लूड कर रहे हैं लेकिन 4 को एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो अब ये इंटरवल कौन सा है? ये इंटरवल है जिसमें 2 शामिल है, 2 से ग्रेटर सारे रियल नंबर शामिल है अप टू 4 तक, 4 शामिल नहीं है, 4 को मैंने एक्सक्लूड कर दिया, ये पूरा इंटरवल है। अब इस इंटरवल को आपने रिप्रेजेंट कैसे करना है? तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सबसे पहला बच्चों वाला तरीका होता है जिसको आप कहते हो रियल नंबर लाइन। आप इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हो रियल नंबर लाइन से। आप किस तरीके से? वही कि आप एक लाइन बनाओगे रियल नंबर लाइन, जो मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, पॉजिटिव इंफिनिटी होता है, नेगेटिव इंफिनिटी होता है, 2 एंड पॉइंट आप मेंशन करते हो, एक है 2 और इसके साथ हम 4 बना देते हैं। आपकी मर्जी, 2 यहां भी बना सकते हो, जब 2 नंबर है ना तो आपको किसी ने नहीं कहा कि पॉजिटिव नंबर इधर ही होंगे, आप आसानी से 2 इधर और 4 इधर बना दो, समझने के लिए काफी है ये, बस मेंशन कर दो ये 2 है ये 4 है, तो वो बात क्लियर हो जाती है पूरी। अब रिप्रेजेंट आप कैसे करोगे? सबसे पहली बात, 2 और 4 पे हम क्या करते हैं नोटेशन के अंदर, अगर 2 शामिल है, मतलब कोई नंबर शामिल होता है तो हम उसको एक डॉट बना देते हैं, फिल कर देते हैं उस डॉट को, और अगर वो नंबर शामिल नहीं होता तो हम एक ओपन डॉट बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है 2 यहां पे शामिल है, 2 को मैंने इंक्लूड किया है, तो आप 2 को इस तरह बना दोगे, जबकि 4 इसमें इंक्लूड नहीं है तो 4 पे आप एक ओपन डॉट बना दोगे इस तरह, और दरमियान में क्या करोगे, एक लकीर लगा दो, दैट्स इट, ये लकीर है, ठीक है। तो ये वो रीजन है जो इस इंटरवल में आपको बोला गया है कि जिसमें 2 शामिल है, 2 के बाद सारे नंबर शामिल है अप टू 4 तक, 4 जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो नंबर लाइन में आप इस तरह लिख रहे होते हो। अच्छा, बिलफर्ज अगर कोई इंटरवल है जो बढ़ता जा रहा है, फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए कि 2 से ग्रेटर सारे नंबर, अब 2 से ग्रेटर सारे नंबर तो पॉजिटिव इंफिनिटी तक हम जाते हैं, तो हम क्या करते हैं 2 को शामिल, फॉर एग्जाम्पल अगर कर रहे हैं हम 2 को शामिल कर रहे हैं, उसके बाद एक एरो बनाते हैं, मतलब एक लाइन लगाते हैं उसके बाद एक एरो लगा देते हैं, मतलब ये नंबर जाते जा रहे हैं इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। लेकिन अगर 2 के अंदर होते हैं, 2 नंबर्स के अंदर, तो फिर एक बस एक लकीर लगती है, फिर तो एरो की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एंड तक जा रहे हो तो फिर आप एरो लगा देते हो। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह कर दोगे कि यार ये 2 है, इसको शामिल करना है, और भाई ये एंड तक जा रहे हैं, कोई बाउंड्री नहीं है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा ये बात। तो एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इनइक्वालिटीज के जरिए से बयान करते हो। इनइक्वालिटीज के बारे में आपको पता होगा। अब जिसको अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं बोलूंगा फॉर एग्जाम्पल एक्स है। अब वही बात है, एक्स एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एक्स एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इंटरवल के अंदर मैंने बताया रियल नंबर्स हैं तो वो इनफाइनाइटी आ रहे होते हैं। तो एक्स के बारे में आपको बताना है, एक्स के अंदर कौन कौन से रियल नंबर्स हैं। तो एक्स के अंदर वो रियल नंबर्स हैं जो 2 से ग्रेटर है और 4 से कम कम है, लेकिन 2 भी इंक्लूड है, तो इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन। वैसे देखो सिंबल के मतलब अलग होते हैं, मैं आपको नेक्स्ट टाइम इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा तो इनके मतलब भी बता दूंगा, पर अभी के लिए समझ लो क्या मतलब है इसका, कि x जो है वो ग्रेटर है और 2 के इक्वल है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन 4। इस कंपाउंड इनइक्वालिटी को आप इस तरीके से पढ़ रहे होते हो। वैसे तो ये लेस देन का सिंबल होता है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगा। बहरहाल तो इनइक्वालिटीज में आप इस इंटरवल को इस तरह लिख सकते हो कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन 4, 4 के इक्वल नहीं है क्योंकि 4 हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया था।
इसके बाद जो तीसरी नोटेशन है वो ज्यादातर मशहूर है, जो आपको पता होना चाहिए वो है इस चीज के लिए, उसको हम कहते हैं इंटरवल नोटेशन। इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरवल नोटेशन नाम रखा गया है इसका। और ये होती है बहुत ही इजी नोटेशन, जगह भी बचाती है आपके, ब्रैकेट के जरिए से आप लिखते हो। दो किस्म की ब्रैकेट हम यहां पे यूज करते हैं, एक होती है राउंड ब्रैकेट, एक होगी स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट जब लगती है इसका मतलब कि वो नंबर इंक्लूड है, और राउंड ब्रैकेट लगेगी इसका मतलब वो नंबर इंक्लूड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह लिखूंगा इसको, अब देखो 2 पे मैंने लगाई है स्क्वायर ब्रैकेट क्योंकि 2 इसमें इंक्लूड था, 2 इस रीजन के अंदर इंक्लूड था तो 2 आ गया। और 4 के ऊपर मैंने लगाई है राउंड ब्रैकेट क्योंकि 4 इसमें इंक्लूड नहीं था। तो इस नोटेशन का पढ़ने का तरीका क्या होगा, 2 से लेके 4 तक सारे रियल नंबर्स जिसमें 2 शामिल है जबकि 4 जो है वो इंक्लूड नहीं है। तो राउंड ब्रैकेट लगे तो वो इंक्लूड नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट लगे तो वो इंक्लूड है। तो इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के तीनों तरीके बता दिए, ज्यादातर आप ये वाला यूज कर रहे होते हो, लेकिन समझने के लिए आगे डोमेन निकालने के लिए आप ये वाला भी यूज कर रहे होते हैं। अब बस आखिरी चीज 2-3 मिनट के अंदर मैं क्लियर कर दूं, वो इंटरवल की टाइप्स होती हैं। टाइप्स इन द सेंस के कुछ होते हैं इंटरवल जिनको आप बोलते हो ओपन इंटरवल है, कुछ आपके क्लोज इंटरवल है। तो फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल, कितने टाइप्स के इंटरवल होते हैं। तो बेसिक अगर आप बात करो ना तो ओपन, क्लोज या सेमी, सेमी ओपन या सेमी क्लोज, जो भी आप बोल दो। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें ओपन की, तो ओपन का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल 2 से लेके 4, ये ओपन इंटरवल है, मतलब 2 और 4 इन दोनों में इंक्लूड नहीं है। जो एंड पॉइंट्स हैं अगर वो दोनों इंक्लूड ना हो तो उसको आप कहते हो ओपन इंटरवल है। जिसमें 2 और 4 के दरमियान सारे नंबर इंक्लूड है लेकिन 2 और 4 जो है वो इंक्लूड नहीं है, उसके बाद हो जाएगा इसको हम ओपन कह देते हैं। उसके बाद एक होता है क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि जिसमें एंड पॉइंट दोनों शामिल है, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, ये जो है इसको आप क्या बोलोगे, ये जो है ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है। उसके बाद सेमी ओपन या सेमी क्लोज आप बोल सकते हो, ओपन क्लोज हो गया, अच्छा जी, उसका हाफ ओपन हाफ क्लोज आप कह लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस तरह से ही था, हाफ ओपन हाफ क्लोज आप इसको कह लो, एक इसको भी एग्जाम्पल में कंसिडर कर लेते हैं 2, 4, तो आप इसको बोल सकते हो हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड, अच्छा जी। उसके बाद फिर आपकी टाइप्स नहीं है सच, इंटरवल में इंफिनिटी अगर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंटरवल में आपको इस तरह लिखूं कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो इसमें 2 भी शामिल हो गया और एक्स जो है वो 2 से ग्रेटर है। अब वो 2 से ग्रेटर कहां तक जा रहा है, वो पॉजिटिव इंफिनिटी तक जा रहा है। याद रखना इन्फिनिटी को कभी शामिल नहीं आप करते क्योंकि इंक्लूड नहीं करते, इन्फिनिटी पे कभी आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाओगे क्योंकि इन्फिनिटी को नंबर नहीं है। तो होता ये कि फॉर एग्जाम्पल अगर इन्फिनिटी आ जाए तो आप किस तरह लिख रहे होते हो, फॉर एग्जाम्पल तीनों तरीके से इन्फिनिटी आ सकती है, 2 से ग्रेटर, अब 2 से ग्रेटर कुछ भी हो सकता है। अब इसमें 2 इंक्लूड है क्योंकि 2 पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है, लेकिन 2 से लेके आगे तक इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, जिसको आप इनइक्वालिटी में इस तरह लिखोगे कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल को शो करेगा और 2 से ग्रेटर है तो मैंने अप टू इन्फिनिटी तक जाना है क्योंकि मुझे इसकी अपर बाउंड नहीं पता ना कहां तक मैं जाऊं, तो इन्फिनिटी तक जाएगा ये। अच्छा फॉर एग्जाम्पल इस तरह भी आप लिख सकते हो, कभी ऐसा भी हो सकता है, इसको हम इस तरह लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये चीज आ जाए कि x इज लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब x या तो 2 के बराबर है या 2 से कम है, लेकिन कहां तक कम है, अब वो नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, आपको लोअर बाउंड नहीं पता कहां तक कम है वो, तो आप क्या लिखोगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2, मतलब x इज लेस देन और इक्वल 2 का मतलब कि माइनस इन्फिनिटी यहां से लेके अप टू कहां तक जाना है, 2 तक जाना है आपने, और 2 शामिल है, बिल्कुल शामिल है यहां पे, तो आप क्या करोगे 2 पे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे, अगर 2 शामिल नहीं हो तो 2 पे भी राउंड ब्रैकेट लगा देते। और कुछ ऐसे भी होती है जैसे रियल नंबर को आप इस तरह शो करते हो, वो होती है माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, कभी पॉजिटिव सिंबल लगा भी दिया जाता है, कभी ना भी लगाओ बात यही है। तो ये रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर्स को, क्योंकि रियल नंबर्स में नेगेटिव सारे नंबर आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर से आप स्टार्ट करते हो, करते करते पॉजिटिव नंबर सारे उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये जो है पूरा इंटरवल, ये कंसीडर, ये सिंपल सी बात है रियल नंबर को लिखने का तरीका है, रियल नंबर में कोई बाउंड नहीं है, पॉजिटिव बड़ा से बड़ा नंबर चलता जाएगा आप जाते जाओ इनफिनिटी तक, नेगेटिव से बड़ा नंबर या नेगेटिव में नंबर छोटे जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप बोलते हो नेगेटिव छोटा होते 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 नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है वो, तो कोई रोकने वाला नहीं होता रियल नंबर्स को। तो ऐसी भी आपके इंटरवल नजर आएंगी जिसमें दोनों इन्फिनिटी आ रही होती हैं, तो बस याद रखना इन्फिनिटी को आप इंक्लूड नहीं करते, इन्फिनिटी को नंबर नहीं है, कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे होते हो।
तो इस टाइप की आपके पास इंटरवल होती हैं जो जिनमें इन्फिनिटी भी आ जाता है। तो मैं जो पर आखिरी चीज बता दूं मैं आपको कि राउंड ब्रैकेट की जगह आप एक और ब्रैकेट भी यूज कर रहे होते हो, वो स्क्वायर ब्रैकेट की उल्टी ब्रैकेट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप, मैं दो एग्जाम्पल देता हूं ताकि आप लोगों को बात करो कि राउंड ब्रैकेट या तो फॉर एग्जाम्पल शुरू में आई हुई है, ये सवाल है, या फॉर एग्जाम्पल इस तरह आई हुई है 4.2, नहीं इस तरह लिख सकते हम, इस तरह करते हैं, ये चीज देखिए दो किस्म की है। तो राउंड ब्रैकेट की जगह वो एक और नोटेशन भी आप यूज करते हो, जैसे जो ऊपर वाला है इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो। अगर आप देखो ये जो राउंड ब्रैकेट की जगह मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखनी चाहिए थी मुझे, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट का नॉर्मली अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहा हूं उसका मुंह उस तरफ होना चाहिए था, लेकिन वो मुंह उस तरफ किया हुआ उसका, क्योंकि ये जो राउंड ब्रैकेट है उसकी जगह आप ये वाली चीज भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब भी होता है कि ये ओपन है, क्योंकि एबनॉर्मल आपको लग रहा है ना कि भाई अगर स्टार्टिंग में राउंड ब्रैकेट होगी तो उसकी शेप इस तरह होनी चाहिए, अगर एंडिंग में है तो उसकी शेप इस तरह होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग में इस टाइप की शेप नजर आ रही है और एंडिंग में आपको इस तरह नजर आ रही है तो समझ जाना इसका मतलब ये राउंड ब्रैकेट है। तो स्टार्टिंग में भी राउंड ब्रैकेट है, एंड पे भी राउंड ब्रैकेट है, मतलब राउंड ब्रैकेट नहीं है सच, मतलब समझ जाना कि चीज इंक्लूड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह लिखा दे तो समझना 4 इंक्लूड है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट की शेप आपको सही लग रही है 4 के ऊपर, लेकिन 2 पे शेप जो है वो अजीब सी है, तो समझ जाना भाई 2 जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। और अगर नीचे वाले नोटेशन की बात करो तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं 2, 4, और 4 पे वैसे असूलन मुझे इस तरह लिखनी चाहिए स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह लिख रहा हूं तो समझ जाना भाई 4 जो है वो यहां पे इंक्लूड नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि ये वाली नोटेशन भी यूज हो रही होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप कहीं भी लगा लो, फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों चीजें इंक्लूड नहीं है, जैसे 2 भी इंक्लूड नहीं है और 4 भी इंक्लूड नहीं है, दोनों पे राउंड ब्रैकेट है, तो इस तरह भी लिख सकते हो या इस तरह भी लिख सकते हो। तो ये दोनों सेम नोटेशन माने जाएंगे, दोनों के मतलब सेम ही होंगे, एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये नोटेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनइक्वालिटीज का पोर्शन स्टार्ट करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट किस्म की इनइक्वालिटीज हैं, फिर हम ग्राफिंग भी उनकी सीखेंगे। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़।